सी बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 सोल्जर्स एंड आर्मी आप लोगों की एक मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं। बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12 अभी अभी क्लास 10 के हमारे आर्मी सोल्जर्स घर आए हैं अपना साइंस पेपर कंप्लीट करके। पर आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यहां पर सेट जो आए थे, मतलब बहुत सारे सेट थे जो कंप्लीटली अलग आए थे, कंप्लीटली डिफरेंट आए थे। अभी अभी हमारी टीम, हम लोग लाइव थे, आंसर डिस्कस कर रहे थे। हालांकि हम लोग क्लास 10 साइंस का पूरा पीडीएफ आंसर बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं, पर जब डिस्कशन चल रहा था तो कई सारे स्टूडेंट्स कंप्लीटली कह रहे हैं कि भैया ये हमारा मैच नहीं हो रहा है, आप लोग गलत बता रहे हैं। तो अब जाके एनालिसिस करने के बाद, स्टूडेंट से बात करने के बाद पता चल रहा है कि साइंस के पेपर में कंप्लीट 50% ऑफ क्वेश्चंस अलग थे सेट 1 में एंड 50% ऑफ पूरा कंप्लीट जो कि आंसर सेट था सेट 2 में डिफरेंट था। मतलब ऐसे कहा जा रहा है कि कई सारे 5 10 15 क्वेश्चंस पूरा कंप्लीटली अलग-अलग आए थे। अब आ जाते हैं क्लास 12 पे, तो क्या ये क्लास 12 के साथ भी होगा? क्योंकि अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें फिजिक्स के एग्जाम है, मैथ्स के एग्जाम है, वहां पर हमारे सोल्जर्स क्लास 10 का भी है, वहां पे हमारे आर्मी सोल्जर्स क्लास 12 का भी है। तो अगर सीबीएसई ऐसा कुछ करेगी तो क्या इससे आपका कोई इफेक्ट होगा? दूसरी तरफ अगर हम आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, एनालिसिस की बात करें, रिपोर्टिंग की बात करें आज का पेपर का, तो स्टूडेंट्स आर सेइंग कि बहुत ज्यादा इजी था, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि साइंस पेपर आप इतना ज्यादा इजी नहीं कह सकते हैं। बिकॉज़ यहां पे तीन चीजें थी, आपको तीन चीज था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे भी हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के नहीं भी अच्छे हुए हैं, बट आप फिर भी खुश रहो, गॉड ग्रेस, अल्लाह भगवान जीसस पे भरोसा रखो। आपका अगर एग्जाम बुरा भी गया है तो भी आपको डिमोटिवेटेड नहीं रहना है, बिकॉज ये एग्जाम उतना आपको इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि आप डर रहे हो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और रह गए हमारे जिनका अच्छा हुआ है, वेल एंड गुड, आप कल के लिए प्रिपरेशन करो, अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करो। एक बार बता दूं, जो बीत गया आप दोबारा उस टाइम पे तो जाकर लिखकर नहीं आ सकते, एग्जाम हो गया इस चीज़ का टेंशन हटा दो। वैसे भी पास फेल नहीं है, कंपार्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बेटर है कि हम फोकस कर ले अपकमिंग पढ़ाई पे। तो बहुत जल्दी हम आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एंड 12 वाले सोल्जर्स, कल इंग्लिश पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं ऐसा सेट में देखने के लिए आया है, तो आपको घबराना नहीं है, एक छोटी सी मुसीबत हो सकती है, पर आपका राय क्या है आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस छोटी सी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच। क्या आपको इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो इस डर को आप कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से, जहां पर इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा के मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी बेसिक से। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट रखते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या पाटेदार आपको इंग्लिश बोलनी है, तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करें।